सर, अभी आपने कहा कि आपने बहुत मुश्किल अपनी जिंदगी गुजारी और वही चीजें आपकी जिंदगी में आगे चल के ब्लेसिंग थी। क्या वजह है कि बहुत सारी जिंदगी की मुश्किलों भरी जिंदगी गुजारने के बाद जब हम किसी लेवल तक पहुंच जाते हैं तो हम अपने आने वाली नस्लों को ये क्यों नहीं चाहते कि वही जिंदगी तो नहीं लेकिन उन चीज़ों से गुजर कर हमारे भी बच्चे उन ब्लेसिंग से फायदा उठाएं, जिस तरह से आपके आपने ज़िंदगी गुजारी है उस तरह से आपके बच्चे जिंदगी नहीं गुजारे हैं। तो आप क्या समझते हैं इन दोनों चीज़ों का आपके बच्चों पर आगे चल के क्या फर्क पड़ेगा? और दूसरी बात ये कि क्या उनको इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस है जितनी कि आपको उस दौर में थी जब ये बच्चे आपके जीवन में अभी थे? ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इस पर थोड़ा सा तफसील से बात करने की ज़रूरत है मगर इतना टाइम नहीं होगा, मगर मैं इसको एड्रेस शरीफ को देखें। एक चीज़ है कि आप पे एक चीज़ मुसल्लत हो, दूसरी चीज़ है कि आप खुद मुसल्लत करें, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी आप कराची से हैदराबाद आ रहे हो या लाहौर से आप सरगोधा जा रहे हो, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए और टायर बस्ट हो जाए और दूसरा टायर भी पंचर हो जाए, फिर आप बसों पे लटकते हुए टायर को धकेलते हुए आप पहुँचें सरगोधा जाके। दूसरा है कि आप खुद अपनी गाड़ी पंचर करके रास्ते पे एडवेंचर करने के लिए पहले अपने टायर को गोली मार के बस्ट करें, फिर दूसरी टायर को काट के पंचर करें ताकि मैं टायर घसीटता हुआ ले जाऊँ। तो बाज़ हालतों में कुछ चीज़ें आप पे मुसलत होती हैं। आप फंस गए जंगल में, शेर आ गया, आप शेर से बच के पेड़ पर चढ़ गए। अब आप कहें कि चूंकि इस शेर के आने की वजह से मुझे मौका मिला कि मैं बहादुर बना और मैं तेज़ रफ्तारी से पेड़ पे चढ़ गया, इसलिए अब मैं अपने बेटे को शेर के सामने छोड़ के आता हूँ कि वो भी सीखे और वो तेज़ी से पेड़ पे चढ़ जाए। अब ये तो आप कभी नहीं करेंगे। हालात आपको धकेल कर मुश्किलात में ले जाएं और आप उनको ओवरकम करें, ये अलग बात है, मगर आप खुद अपने पे मुसल्लत करें। आप रात के रखे हुए चावल खाएं, मोशंस हो जाएं और फिर आप ट्रीटमेंट कर लें। दूसरा है कि आपको पता हो कि रखे हुए चावल हैं और मोशंस यकीनन होंगे और डायरिया हो जाएगी, आप ज़बरदस्ती चावल खाएं, ये दो अलग चीज़ें हैं। इसलिए मेरे ख्याल में कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि इंटेंशनली वो लोगों को सफ़र करवाएं ताकि वो मजबूत हों। न रियासत चाहती है, न मुल्क चाहता है, न कोई इंस्टीट्यूशन चाहता है, न माँ चाहती है, न कोई उस्ताद चाहता है कि बच्चे को तीन चार दफ़ा फेल करूँ ताकि वो मजबूत हो गए, पांचवीं दफा बेहतरीन इम्तिहान दे के निकले। मगर बहरहाल आपकी बात का दूसरा हिस्सा सही है कि हमारे जो बच्चे हैं, वो शायद फराज ने कहा है कि हम सहल तलब कौन से फराद थे लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। तो सहल तलब बनाना लोगों को और वो लग्जरियस लाइफ गुजारें, उनकी ज़िंदगियाँ आइंदा मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमारे वो लोग जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, सिंधी डायस्पोरा है, ये इनको चाहिए कि ये अपने बच्चों को थोड़ा सा टफ़ बनाएं, उनको सफ़र न करवाएं मुश्किलातों में ताकि वो मजबूत बने, मगर उनको अपने गांव ले जाएं, उनको कभी कभार बग़ैर उबला हुआ पानी भी पिला दें, फिल्टर पानी पे गुजारा करने वालों को कभी आम बहता हुआ पानी भी पिला दें ताकि उनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो, और कभी कभार उनको नंगे पाँव भी किसी ज़मीन पर चलने पर मजबूर करें, कभी कभी वो भूखे भी रहें कभी कभार, मगर मुसलसल भूखा रखा जाए ताकि आइंदा टफ हो, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकली देखा जाए तो रसूल बख्श वलियो साहब और आप दिमाग तसव्वुरात और मंजिल एक ही, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि बचपन से लेके आज तक आपकी डोमेस्टिक लाइफ में रसूल बख्श वलियो साहब और आपके बीच में कोई कंट्राडिक्शन रहे हो? ऑलमोस्ट डेली, यानी वो घर ही क्या जहाँ माँ बाप बच्चे उनमें हर चीज़ पे इत्तफाक की राय हो, फिर तो वो हो गया कोई आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर, हो गया काकुल एकेडमी बन जाएगी जहाँ पे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 राइट हो जाए और अबाउट टर्न तो अबाउट टर्न, स्टैंडर्डीज़ तो स्टैंडर्डीज़, फिर वो तो काकुल एकेडमी या कोई इस किस्म का इदारा बन जाएगा। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी आपके लिए कि आप अपने माँ बाप से इख्तलाफ करें, माँ बाप आपसे इख्तलाफ करें और फिर आप उनसे आर्ग्यू करें और फिर जो आखिर में आर्ग्यूमेंट्स में जिसके पास ज़्यादा अच्छे दलायल हों, जिसकी बात ज़्यादा सही हो, वो बात प्रिवेल करे
और आप सबमिट करें, सबमिशन करें अपनी, आप कंसीड करें। बहैसियत वकील हम कंसीड करने का आर्ट हमें सिखाया जाता है कि अगर किसी चीज़ पे जज साहब या कोई सामने वाला वकील अपोनेंट आपका कोई ऐसी पॉइंट रेज करे जो अपेरेंटली न सिर्फ प्राइमा फेशा है बल्कि आर्गुमेंट्स के तह तक जाने के बाद पता चले कि सही है, तो आप कहें कि ये बात बिल्कुल सही है। तो अबू ने इस किस्म का माहौल पैदा किया है, वो क्रेडिट गोज़ टू हिम और क्रेडिट गोज़ टू माई मॉम कि उन्होंने माहौल इस किस्म का घर में रखा कि हमारे घर में डिबेट्स होती हैं। घर में ये नहीं कि मुझ पर मुसलत कर दिया जाए कि तुम फलां सब्जेक्ट पढ़ो और डंडा लेके पीछे पड़ जाएंगे, ये ना पढ़ोगे तो हमारा तुमसे ताल्लुक खराब ख़त्म है, ये हमारे घर में रवाज नहीं है। अगर आर्ग्यूमेंट करके बताया जाएगा सिविल इंजीनियरिंग बेहतर है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल के लिए इंसिस्ट करता रहूँगा तो मेरे साथ आर्ग्यू करेंगे, और अगर आखिर में मैं सही दलाइल देगा तो कहेंगे तुम्हारी मर्ज़ी। तो ये रहा है। और उसके अलावा किताबों के हवाले से अबू की शुरू से ख्वाहिश रही है कि एक मखसूस रुख की किताबें पढ़ी जाएँ, या तकरीबन वो सारी पढ़ ली जाए फिर टाइम बचे तो दूसरी जानब देखा जाए। मैं शुरू से छुप के अपनी कार्रवाइयाँ करने का कायल रहा हूँ। तो पाँचवीं छठी जमात में अबू कहते थे मैक्सम गोरखी की माँ पढ़ो, मैं मैक्सम गोरखी की माँ पढ़ के उसके साथ जिमकार बट की जाए शिकारियात की किताबें जाके पढ़ता था, और वो छुप के। अबू कहते थे कि जाके पढ़ो धरण या धक् हैं, वाटू वी एच यू हैं, वियतनाम इनकलाब में उनको पढ़ते हुए आधा टाइम निकाल के जाके इब्न सफ़ी पढ़ता था, इसरार अहमद की जासूस दुनिया, इमरान सीरीज़ और कामरान सीरीज़, जेम्स हेडले चीज़, अगाथा क्रिस्टी और इस किस्म की चीज़ें। तो ये कार्रवाइयाँ तो मेरी जारी हैं, उसमें तो मैं अपनी चीज़ें पसंद की ज़रूर पढ़ता हूँ, अपनी पसंद की चीज़ें ज़रूर खाता हूँ, और भले दूसरे लोग हंसें कि ओझड़ी भी कोई खाने की चीज़ है, मैं ओझड़ी मुझे अच्छी लगती है, मैं ज़रूर खाऊँगा। और हाँ, मैं खुद अगर कायल हो जाऊँ कि ओझड़ी नहीं खानी चाहिए तो वो अलग बात है, मैं खुद कायल हो जाऊँ कि अक्षय कुमार की भागम भाग या हेरा फेरी नहीं देखनी चाहिए और कॉमेडी मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए, फ़कत नसीरुद्दीन शाह और समीता पाटेली सारा दिन देखते रहना चाहिए, तो मैं कायल हो गया तो मैं करूँगा। मगर मैं समझता हूँ कि मुझे परेश रावल की मूवी ज़रूर देखनी है एक आध हफ्ते में दो तीन दफ़ा, तो कोई मुझे सारा दिन कायल क्यों ना करे कि सिर्फ ओम परी और नसीरुद्दीन शाह और समीता पाटिल देखो, तो मैं उसके साथ सामने सरेंडर नहीं करूँगा, मैं छुप के भी पारेश रावल की या संजीव कुमार की अंगूर ज़रूर देखूँगा। मेरे ख्याल में अवामी तहरीक एक लिबरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट ओरिएंटेड प्रोग्रेसिव तंजीम है जो समझती है कि पाकिस्तान में जब तक जो मुख्तलिफ कौमों ने मिलकर पाकिस्तान बनाया है उनके साथ की जाने वाली एट्रोसिटीज़ को, उनके हुकूक़ को, उनके डिमांड्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक सिर्फ लेफ्ट की बात करना, सिर्फ प्रोग्रेसिव बनना मसाइल का हल नहीं होगा और प्रॉपरली आप आवाम के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर सकेंगे। इसलिए चीज़ों में या बहुत कम होती है कि या आप पाकिस्तानी हैं या आप सिंधी हैं, मैं पाकिस्तानी भी हूँ और सिंधी भी हूँ, या आप मुस्लिम हैं या सुन्नी हैं, या आप मुस्लिम हैं या शिया हैं, भाई मैं शिया भी हूँ और मुस्लिम भी हूँ, मैं सुन्नी भी हूँ और मुस्लिम भी हूँ,
या आप सिंधी हैं या हैदराबादी हैं, मैं हैदराबादी भी हूं और सिंधी भी हूं, तो या आप वकील हैं या अवामी तरीके कारकुन हैं, मैं अवामी तरीका कारकुन भी हूं और वकील भी हूं, तो या आप लेफ्टिस्ट हैं या नेशनलिस्ट हैं। आप अपनी कौमी वसायल और अपनी कौमी हुकूक के हल के लिए कोशिशें करते हुए भी लेफ्टिस्ट रह सकते हैं, और क्लास कंट्राडिक्शंस को मसाइल की जड़ समझते हुए भी आप नेशनल क्वेश्चन के बारे में एक वाज़े पॉलिसी अख्तियार कर सकते हैं। इसलिए इस पर बड़ी तफसील से लेनिन ने भी बात की है कि कौमों के इशू को एड्रेस करने के बगैर आप सिर्फ उनको लोगों को बताएं पाकिस्तान में ये हमारी माजी की लेफ्ट करती रही है, माजी में जो हमारी दरामद शुदा लेफ्ट थी जो इंडिया से दरामद होके आई, उसने कहा कि कोई कौमी सवाल बवाल है ही नहीं, तबकाती सवाल है, उसको एड्रेस करें। अब देखें आज वो कहाँ है, दे आर नोवेयर। इसलिए हाँ, सिर्फ ये बात करना सूडो नेशनलिज्म की कि सब सिंधी हमारी जान है, हम सब सिंधियों के तरफदार हैं, और पंजाबी बलोच पश्तून सरायकी उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और सिंधी सब अच्छे हैं बाकी सब गलत हैं, नहीं, हम सिंधी वडेरे और सिंधी फ्यूडल के इतने ही खिलाफ हैं जितने हम किसी पख्तून पश्तून सरदार और बलोच ट्राइबल हेड जो अपने आवाम के साथ मजालिम करता है, और पंजाबी चौधरी और फ्यूडल के खिलाफ जिस हद तक हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए उतनी ही आवाज़ हमें सिंधी फ्यूडल जो अपने किसानों के साथ ज्यादती करता है, जो ज़मीनों पर कब्जा करता है, जो सिंध के लोगों को अपने तसल्लुत में रख कर उनके वसाइल पे हुकूक पे डाका डालता है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए और उस पर भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसलिए सिर्फ नेशनल इश्यूज की बात करना और क्लास कंट्राडिक्शंस को, तबकाती समाज में जो होने वाली बर्बरियत है उसको एड्रेस न करना, ये अवामी तरीके की पॉलिसी नहीं है। इसीलिए अवामी तरीके एक यूनिक रास्ता है अख्तियार किया हुआ है अवामी तरीका, और जिस पर हम चल रहे हैं।